सबसक्राइब करो साडे चैनल नूं लेटेस्ट वीडियो देखण लई बैल आइकॉन दा बटन दबो। पीरां दे पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी कुतुब रबानी महबूबे सुभानी शाहे जिलानी मीरा गौस पाक अरबी सरकार आप सरकार का एक मुरीद एक दिन एक रस्ते तुरया जा रहा है। सामने देखा कि एक बंदा बड़ा उदास बड़ा परेशान तुरया आ रहा है। जब ग्यारहवीं वाले पीर के नज़दीक आया वो पूछने लगा भाई की गल बड़ा उदास है बड़ा परेशान है। वह कहिंदा यारा की दसा कि मैं बहुत गरीब हाँ मेरी लड़की की शादी है उतों विआह के दिन भी नज़दीक आते जाते हैं हुण मैं सोचता है कि मैं पैसे कितों लियावां ना मेरे कोई जमीन जायदाद है तो इस करके मैं सोचा में पिया कि दिन भी थोड़े रेंदे जाते उधरों ग्यारहवीं वाले पीर के मनण वाला मलंग कह लगा कमलिया गल सुन सोचा में ना पै मैं तेनों रस्ता दस दिना शहर बगदाद में जा उत्थे दुखिया के मसीहा बेसहारिया के सहारा। ग्यारहवीं वाले पीर रेंदे ने लोग उन्होंने अर्चा सुना तू भी जाके सुना तेरा भी मसला हल हो जाए। कहिंदा अच्छा उस मलंग तो यह गल सुनी शहर बगदाद में चला गया। हुण सरकार अपने मुरीदां नाल बैठे हुए ने जाके खड़ा हो गया। आ सरकार की नज़र पैगी कह लगे की गल है कमलिया तू क्यों खड़ा हाथ जोड़ के अर्ज कर लगा। कह लगा सरकार एक अर्ज लैके आया। आ सरकार ने कहा दस की अर्ज है। कह लगा सरकार मैं बहुत गरीब हाँ मेरी लड़की की शादी है दिन भी बहुत नज़दीक आ गया ना कोई मेरे को पैसा है ना कोई सोना चांदी ना कोई जमीन जायदाद मैं सोचता कि मैं ब्याह किहदे नाल करांगा। आ सरकार का एक गुलाम एक मलंग मैनू मिलिया उन्हें कहा कि ग्यारहवीं वाले पीर को जा तेरा मसला हल हो जाओ तो सरकार तुहाडे दरबार के उत्ते मैं एक अर्ज लैके आया मेरे ते कर्म करो। आ सरकार ने कहा कमले आए दस तेन किन्ने पैसे चाहिए। वह कह लगा सरकार मैं 5000 रुपया चाहिए। आ सरकार ने फरमाया 5000 नाल तेरी लड़की का ब्याह हो जाऊ। कह लगे हाँ। आ सरकार ने इधर उधर हाथ मारिया हाथ में की आया सरकार का रुमाल। आ सरकार ने रुमाल लिया उस मलंग नूं दे दिता। कह लगे जा जाके अपनी लड़के की शादी कर लै। उन्हें सजदा सलाम किया तुरया जा रहा सोचा में बह गया। वह कह लगा कि सरकार के गुलाम ने सरकार की शान बड़ी दसी सी शान मैं भी बड़ी सुनी सी पर मेरा तो सवाल एक 5000 रुपए का सी। आ सरकार ने मैनू रुमाल जिहा दे के टाल दिता। सोचता जाता है तुरया जाता है एक रस्ते दे विच उहदी पहुँच गया जिथे दी तुरया जा रहा उत्थे ग्यारहवीं वाले पीर के काफ़ी सारे आशक दीवाने खड़े हुए सी। और रुमाल ने उत्थे नेका छड़नियां शुरू कर दित्तियां जिन्ने मलंग खड़े हुए सी आके भज के उस बंदे नूं घेरा पा लिया। वह कह लगे कमलिया गल सुन साडे पीर दा रुमाल तू चोरी करके लैके आया। हाथ जोड़ के अर्ज कर लगा कहिंदा भाई मैं चोरी नहीं करके लैके आया मैं तो अर्ज की सरकार नूं कि मेरी लड़की का ब्याह है मैनू 5000 रुपए चाहिए। आ सरकार ने मैनू एक रुमाल जिहा दे के तोड़ दिता। एक मुरीद सरकार का कहने लगा कमलिया वो तू इहनू रुमाल जिहा कह रहा तेनू पता साढ़े पीर की शान कितनी वड्डी कितने पैसे चाहिए तेनू। कह लगा 5000 रुपया उन्हें कट्टे जेब दे विचों 5000 रुपया दे दिता। कहिंदे जा जाके अपनी लड़की का ब्याह कर लै। ये सारी गलबात एक लागे खड़ा चोर देखता सी दिन में सोचने लगा यार कैसा वो फकीर है कैसा वो पीर है जिहदे एक रुमाल की कीमत 5000 रुपया जे आपां उहदे 5-7 कपड़े चक लीए तां किन्ने पैसे बणनगे किन्ने पैसे बणनगे। दिन में सोचने लगा कि अज जे चोरी करनी तां ग्यारहवीं वाले पीर के घरे करनी नहीं तो चोरी करनी छड्ड देनी। रात का वक्त होया चोर कित्थे चला गया ग्यारहवीं वाले पीर के घर चोरी करने वास्ते। देखा कि आ सरकारी इबादत बैठे हुए ने एक सैर दी अंदर चला गया चारे पासे नजर मारी की नजर आया एक तस्वीर। वह कहने लगा चोरी तो मैं करके लै ही जानी है आप इन गल में पा के भी देख लीए। उस चोर ने तस्वीर चक्की सरकार की गल में पा रही फिर सोचने लगा कि होर कुछ देखा नजर पैगी कहते कि सरकार का चोला पिया होया उन्हें वह भी चुकया। कह लगा लैता मैं जाना गल में पा के देख लीए जो गल में पाया सरकार का ऐसा कर्म होया कि चोर अपनी होश भुल गया फकीर वाली होश के आ गया फकीर वाली होश के आ रहा हूँ तस्वीर भी पाली चोला भी पालिया हूँ सरकार का पलक लगा सोचने लगा यार आप पलक से भी लंबे पैके देख लीए सरकार की तस्वीर पाई सरकार का ही चोला पाया सरकार के पलक ने जो लंबे पिया होशों बेहोश हो गए होशों बेहोश हो गया। करद्या करद्या सुबह के 4-5 बज गए ग्यारहवीं वाले पीर बार खड़े ने कदों उठे तो इन्हू मैं पूछा ये कौन है तो कितों आया एने कुछ लोग सामने पिंड तो तुरे आए आके सजदा सलाम किया ग्यारहवीं वाले पीर अगे अर्ज करे सरकार
ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਬ ਮਰ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਬ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਬ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਕੁੱਤਬ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੋਰੋ ਕੁੱਤਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੋਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਤੋੜਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਤੋੜਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਤੋੜਦਾ ਸਭ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਸਪਾਕ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੰਡਦੇ ਸੈਦ ਖਲਾਨਾ ऐसी हस्ती जी दा रब भी पानी भरदा रास पाक है ऐसी हस्ती जी दा रब भी पानी भरदा ओ पा फड़ लेंदा जे दी मीरा फड़ लेंदा जे दी मीरा ओ फड़ लेंदा जे दी मीरा तू कदे नाते विच सड़दा खाली ना मोड़े मीरा पर पर के छोड़ी ਆਜਾ ਚੱਲਿਆ ਛੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜੂ ਪਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਸਖੀ ਹੈ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੂ ਪਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਸਖੀ ਹੈ